टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेल रही है। पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, वहीं दूसरे दिन पूरा खेल ही पलट गया। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 183 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद लग रहा था कि मेहमान टीम काफी बढ़त बना लेगी, लेकिन दूसरे दिन जेम्स एंडरसन ने मैच ही पलट दिया। वहीं रोहित शर्मा के आउट होने के बाद एंडरसन ने लगातार 2 गेंदों पर चेतेश्वर पुजारा भारतीय कप्तान विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं आपको बता दें कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंडरसन ने पुजारा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं भारत के कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरे तब फैंस को उनसे लंबी पारी की उम्मीद थी, लेकिन कोहली पलक झपकते ही आउट हो गए। पहले ही गेंद पर विराट कोहली स्टंप के पीछे जॉस बटलर के हाथों लपके गए। ये 7 साल और 12 टेस्ट में पहला मौका है जब जेम्स एंडरसन ने विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में आउट किया है। इससे पहले भारतीय कप्तान को एंडरसन ने 2014 में ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में आउट किया था। वहीं आपको बता दें कि विराट कोहली के चाहने वालों की उम्मीद थी कि वो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाकर सेंचुरी का सूखा खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में भी कोहली फ्लॉप रहे। उन्होंने अपना आखिरी शतक नवंबर 2019 में बनाया था। विराट ने उस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में 136 रनों की पारी खेली थी। वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के लगातार फ्लॉप होने की वजह से उन पर सवाल उठाए भी जा रहे हैं। बिना खाता खोले आउट होने के बाद ही सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह से ट्रॉल किया जा रहा है।